चंद सरदार जो थे ना, ये हजरत उमर के सामने बैठे थे, इकरमा बिन अबी जहल। तो असहाब सुफा आए तो हजरत उमर ने कहा भाई जरा पीछे हो जाओ, उनको आगे बैठा लिया। सलमान, बिलाल, फिर मिकदाद आए, सहेब आए, हजरत उमर ने कहा जरा पीछे हो जाओ, उनको आगे बैठा लिया। फिर दूसरे आए, आमिर कहा तुम जरा पीछे हो जाओ। ऐसा करते करते सरदारों को जूतियों पर बिठा दिया और गरीब गुलाम आगे बिठा दिए। जब मजलिस खत्म हुई तो हजरत अबू सुफियान कहने लगे आज उमर ने हमारे साथ क्या किया। तो हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अमर कहने लगे क्या किया। कहा देखो, सरदारों को जूतियों पे बिठा दिया और गरीबों को सामने बिठा दिया। तो इस पर सुहैल बिन अमर ने कहा इसमें उमर का कसूर नहीं, हमारा कसूर, हमने इस्लाम लाने में देर की, हम पीछे रह गए, उन्होंने पहल की, वो आगे निकल गए। तो अब एकदम, हालांकि ये बिल्कुल फतह मक्का पे ईमान लाएं, इनको नबी की सोहबत के चंद दिन मिले हैं, लेकिन एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल को मैं बता रहा हूं। ये आपस में कहने लगे चलो दुनिया की तो खैर है, पीछे रह गए, अगर आखिरत में पीछे रह गए फिर क्या होगा। इस ख्याल का आना था कि चारों आगे हजरत उमर के पास कि उमर तुमने हमें सामने से उठा के जूतियों पे बिठाया, ठीक है हम हकदार हैं, लेकिन हमें परेशानी ये है कि हम चाहते हैं कि आखिरत में तुम्हारे बराबर हो जाएं, साथ हो जाएं, आगे तो जा नहीं सकते, पीछे ना रह जाएं, कोई रास्ता है। तो सुमन ने फरमाया इन लोगों ने अल्लाह के नाम पे अपनी कुर्बानियां पेश की, तुम अल्लाह के नाम पे अपनी जान पेश करो, माल पेश करो, तो तुम भी इनके साथ हो जाओ। तो ये कहने लगे जी बिल्कुल ठीक। तो ये सारे कुरैश के सरदार मक्के आए और मक्के से बमै खानदानों के उन्होंने हिजरत की। 400 बड़े सरदार इन्होंने मक्का छोड़ा। जब ये मक्के से निकले तो सारा मक्का रो रो के बुरा हाल कर रहा था। तो हारिस बिन हिशाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये अबू जहल के भाई हैं, अबू जहल के भाई हैं, हकम बिन हिशाम उसके ये भाई हैं हारिस, ये खड़े होकर उन्होंने छोटी सी तकरीर की, फरमाया कि देखो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने दावत दी, हम पीछे रह गए, हमारे गुलाम आगे चले गए और इतना आगे गए हैं कि अगर ये मक्के के पहाड़ सोना बन जाएं और मैं सारे खर्च कर दूं तो उनके एक दिन का अजर मैं नहीं पा सकता। मैं चाहता हूं कि हम अपनी जानों का नजराना पेश करके हम इनके साथ हो जाएं। ये काफिला जब मुल्क के शाम पहुंचा तो यरमूक की जंग सर पे आ चुकी थी। यरमूक की जंग में रोमन अम्पायर टूटी और उसका फैसला हुआ और उनको शिकस्त हुई। उसमें 3 लाख का लश्कर था रोमन अम्पायर का और सहाबा का लश्कर था 30,000, तो 10 गुना बड़ा लश्कर था। तो 9 दिन ये जंग चलती रही कि ये लोग वहां पहुंचे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ते लड़ते सहाबा के कदम उखड़ गए और अहले ईमान दबते 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 अपने खेमों तक पहुंच गए। रूमी उन पर चढ़ के आ रहे थे, चढ़ते आ रहे थे और इनके हौसले पस्त हो रहे थे कि हजरत इकरमा बिन अबी जहल, इन्होंने ना एकदम अपने सर से ना लोहे की टोपी को उतार के फेंक दी और अपनी जिरा भी उतार दी और अपनी तलवार की नियाम को भी तोड़ के फेंक दिया और हाथ बुलंद करके कोई है मेरे हाथ पर बैत करे मौत की, कि या अल्लाह ईमान वालों को फतह देगा या हमारी कब्रें यहां बन जाएंगी। तो खालिद इब्ने वलीद और इकरमा बिन अबी जहल करीबी रिश्तेदार हैं। तो खालिद इब्ने वलीद ने हजरत इकरमा का हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, हमें तेरी अभी जरूरत है। तो उन्हें ऐसे हाथ झटके से छुड़ा कर कहा इलैका अन्नी, इलैका अन्नी का वैसे तर्जमा तो है दफा हो जा, इलैका अन्नी दफा हो जा। वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, सहाबा भी हैं, ये कह सकते हैं, तो मैं सिर्फ उनकी लफ्ज का तर्जमा कर रहा हूं, इलैका अन्नी दफा हो जा, खालिद पीछे हट जा, बाअदब तर्जमा, खालिद पीछे हट जा। तक क्यों का मैं और मेरा बाप सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की दुश्मनी की और उनके खिलाफ लड़ते 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 जिंदगी गुजार दी, आज उस दाग को धोने का दिन आया है, आज मैं अपनी जान देना चाहता हूं ताकि मेरे दामन पर जो अल्लाह के नबी के साथ जंग के धब्बे हैं उनको मैं धो दूं, लिहाजा मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। तो उनके बेटे आमर बिन इकरमा ने आगे बढ़ के बैत की
जरार बिन अफजर ने, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने, अब्दुल्ला बिन उमर ने, अबू सुफियान ने, हारिस बिन हिशाम ने, सहेल बिन अमर ने, इन बड़े बड़े कुरैशी सरदारों ने, उन्होंने हजरत इकरमा के हाथ पर बैत की और सब ने अपनी तलवारों को तोड़ दिया, नियामों को तोड़ दिया, जिरह उतार दी, लोहे की टोपियां उतार दी और अल्लाहु अकबर कहकर जो घुसे हैं, 400 आदमियों ने 3 लाख का मुंह फेर दिया और उनको हटाते 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 उनके खेमों तक ले गए। लेकिन इस सफर में इन 400 में चंद ही बचे, बाकी सब शहीद हो गए। और जब रोमियों के कदम उखड़ गए तो हजरत खालिद इब्ने वलीद भागे, घोड़े को दौड़ाया और पीछे की तरफ आए कि वो देख रहे थे कि इकरमा भी गिर रहा है, अमर भी गिर रहा है और फलां भी गिर रहा है, फलां भी गिर रहा है। तो ये जल्दी से भाग के पीछे आए तो देखा तो उनके बेटे तो खत्म हो चुके थे और इकरमा के थोड़े सांस चल रहे थे। तो उन्होंने बेटे को यहां रखा, इकरमा के बेटे अमर को, और हजरत इकरमा अबू जहल के बेटे का गोद का सर अपनी गोद में लेकर थोड़ा पानी मुंह में टपकाया ना, तो उन्होंने से आंखें खोली, कहा कौन हो? कहा मैं खालिद हूं। गले मने दबारा, क्या फैसला हुआ? तो खालिद ने कहा मुबारक हो, अल्लाह ने ईमान वालों को फतह दी। कहा अच्छा, उमर को कह देना जो तुमने कहा था वो हमने कर दिया। और साथ ही जान निकल गई। तो खालिद इब्ने वलीद के एकदम आंखों में आंसू आए और उन्होंने गुस्से से कहा कल्ला ज़ममनुल हंतमत अल्ला नुस्तशहद। अरब अरब जब किसी को प्यार से बुलाते थे तो बाप के नाम से, इब्न उमर ए उमर के बेटे, इब्न अल खत्ताब ए खत्ताब के बेटे, इज्जत मोहब्बत से बुलाने के लिए बाप का नाम आता था और गुस्से में बुलाना होता था तो माँ के नाम से, यबन सुमैया, यबन अलहंतमा। ये उनकी सकाफत थी कि गुस्से में बुलाना है तो माँ के नाम के साथ, इज्जत मोहब्बत में बुलाना है तो बाप के नाम के साथ। यहाँ खालिद इब्ने वलीद को उमर पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, कल्ला ज़ामा इब्न अलहंतमा ता अल्ला नुस्तशहद। अब खत्ताब का बेटा उमर बिन खत्ताब, ये नहीं कहा, खत्ताब का बेटा हजरत उमर की माँ का नाम लेकर कहा कि अब हंतमा का बेटा ये नहीं कह सकता कि हमने अल्लाह के नाम पर अपनी जानों का नजराना पेश नहीं।